सवेरे 10 बजे असी मीटिंग बुलाई सी साडे सीपी साहब डीसी साहब और आईजी बॉर्डरी नाल ही एसएसपी अमृतसर रूरल नाल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब ने तामी साहब ने मैं सवेरे गल की सी कहिंदे कि मैं अमृतसर उत्थे हुशियारपुर आ रहा उन्होंने मेहता साहब नूं ते दूसरा नूं भेजिया रात मैं अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नाल भी फौरन गल की और ये मैं कहा कि बड़ी मंदभागी घटना देखो गुरु ग्रंथ साहब सचखंड श्री हरिमंदर साहब जिन्हें चार दरवाजे ने चौं वर्णों को सांझा कि उत्थे इहोजी घटना होनी और जिस तरीके दे नाल वो शख्स ने आके कि एक जिवें टारगेट लैके आया कि मैं सीधी जाके कृपाणी चकनी है तो उहदे च मैं कहांगा कि जिहड़े अंदर सेवादार बैठे सी गुरु महाराज ने कृपा दे नाल उन्होंने इमीजिएटली उन्होंने दबोच लिया और उन्होंने बाहर कढ़ दिता पर नाल ही जिहड़ियां इहनां दे दिनां दे विच कि सीकुएंस जिहड़े जुड़दे ने कि पहला आनंदपुर साहब होया उहदे बाद दरबार साहब दे विच ही सरोवर दे विच जिहड़ा गुटका साहब सुटिया ये बड़ी दुखदायक जिहड़ियां घटनावां ने और कल सवेरे ही ड्रोन का भी फड़िया जाना कोई होर चीज़ें भी कीतिया जानियां ये बड़ा कुछ देखने वाला और इमीजिएटली जी रात के भी असं सारे यही सोचते सी और मीटिंग भी ता ही एस जी पी सी ने की कि अंदर दरबार साहब के अंदर जी उन्हें टास्क फोर्स है वो एक इंटेलीजेंस विंग भी बनाया जाए और भी पूरा ध्यान के जेडे ये भी जिदा सी पी साहब दस देने कि सवेरे 11:40 एंटर किया तो इन्ना देर उत्थे दरबार साहब दे विच रहना अकाल तख्त साहब के सामने लम्मे पिया रहा सुता रहा उत्थे 8-9 घंटे रहना जिहड़ा इहदा मतलब कि इहदे पिछे कोई गल हैगी जिहड़ी उहदी मौत दे नाल ते हुण सब कुछ ही खत्म हो गया पर फिर भी जिहड़ी उहदा असीं सारे कोल चैकिंग करांगे उहदी अज्ज उहदे पोस्टमार्टम तों बाद उहदा विसरा रिपोर्ट जिहड़ी आ जां उहदे होर कोई ब्लड टेस्ट जो भी आ सारा कुछ लै के उहदे कोल आइडेंटिफिकेशन ही कोई उहदी है नहीं कोई मोबाइल नहीं कोई उहदा पर्स नहीं कोई उहदे च आई कार्ड नहीं ना ही उहदा कोई आधार कार्ड कोई चीज़ भी उहदे कोल है देखो हुण उहदे मरण दे नाल सब कुछ ही जिहड़ी गल्लां खत्म हो गईआं पर फिर भी असीं जिहड़ियां ये कीता कि गलियां दे विच जिहड़ियां ने जित्थों चलिया किहड़े पासों एंटर कीता कित्थे तक रात कित्थे फिरदा रहा क्योंकि हर थां हर गली दे विच हर घर दे विच तकरीबन सीसीटीवी कैमरे ने सानूं 1-2 दिन दे विच विच पूरा पता चल गया अजे तक जिहड़े जदों एंटर कीता उस वेले ओह कल्ला ही एंटर कीता देखो इहो जी मेरे नाल ना श्रोमणी कमेटी ने गल कीती ना साडी कोई नॉलेज है कि इहो जे बंदे 9 बंदे एंटर कीते ने इह साडी कोई नॉलेज नहीं गा श्रोमणी कमेटी ने यह जरूर असी बैठ के ये विचार की है कि जेडे अंदर श्रद्धालु आण के पे रेंदे ने लम्मे पे रेंदे ने जां ओह उन्हां नूं जरूर पूछा जाए कि तुसीं किवें पए हो ये जिहड़ी चीज़ां सारियां ने उन्हां नूं ध्यान च असी रख्या और ये कह के मिल के श्रोमणी कमेटी और सरकार जिथे जिथे अजे कोई हैगियां ने उन्हां नूं करिए जिवें पिंडां दे विच खास करके मैं पंजाब दे गुरुद्वारा साहिबान जिहड़े उन्हां दे कमेटियां ने उन्होंने भी बेनती करना और इन्ना श्रोमणी कमेटी वाले कह के बिल्कुल ये गल ठीक है कि मेरे ख्याल कल साड़ी गुरदास जी अमृतसर रेंज आ उत्थे इस रेंज के कोई 4900 पिंड गुरद्वारा साहब ने अमृतसर गुरदासपुर पठानकोट और इन्हों शहर ये जो सारे तो इन्होंने कह के हर पिंड का जो सीसीटीवी कैमरा उन्होंने जाके चेक किया जाए कि कितने कैमरे तो नहीं बंद ये असी मैं भी करांगा और पुलिस वाले भी करने के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी वो जाके इन्हों जाए कि जेडे पिंड नहीं हो फिर आप